पिछले हफ्ते सिनेमा घरों में उतरी ऋतिक रोशन स्टारर बैंग बैंग और शाहिद कपूर की हैदर ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया। तो इस बार काफी प्रमोशन करने के बाद बॉलीवुड फिल्म 21 तोपों की सलामी ने कैसा बिजनेस किया है और ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई है, आइए जानते हैं। मैं कहूँगा कि हर आदमी इसमें ब्रिलियंट है क्योंकि वो सच्चा दिखता है। फिल्म बहुत जबरदस्त फिल्म है, ऐसी फिल्में कभी कभी देखने को मिलती हैं। ऑल द एक्टर्स आर क्वाइट गुड, फैंटास्टिक्स, दोस ब्रदर्स, दे हैव डन अ वेरी नाइस जॉब, वेरी नाइस जॉब। एवरी सन शुड सी दिस मूवी, थम्स अप। स्टोरी वाज वेरी नाइस एंड व्हाटएवर यू कैन से कि टोटली ऑल द मूवी वाज नाइस। इट्स वेरी गुड फिल्म, द स्टोरी इज वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी। बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म थी, वेरी वेरी इमोशनल, और मैं एडवाइस करूंगी कि एवरी पेरेंट शुड ब्रिंग देयर चाइल्ड एंड वॉच दिस फिल्म। ये तो रहे आम जनता के रिव्यूज, तो अब जानते हैं पंजाबी एक्टर गैवी चहल से कि उनका क्या कहना है इस मूवी के बारे में। मैं इसको स्टार दूंगा 21, सो बिकॉज इट्स अ कंप्लीट फिल्म, मैसेज बहुत अच्छा था, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और 21 तोपों की सलामी मुझे लगता है कि इसकी पूरी टेक्निकल टीम को, डायरेक्टर से लेके जो सभी जिन्होंने इसमें काम किया है, और स्पेशली द राइटर, द स्क्रीन प्ले, स्टोरी, जो बिकॉज दैट इज़ द बैकबोन ऑफ अ फिल्म, सो बड़े बहुत कम देखने को मिलता है कि इतने ब्रिलियंट मैसेजेस मिलते हैं इसमें, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े मैसेजेस छुपे हुए हैं, तो आई थिंक हर किसी को देखना चाहिए, तो मेरा तो वाकई सल्यूट है पूरी टीम को। वैसे तो इस छोटे बजट की फिल्म को 2.5 स्टार्स मिले हैं, लेकिन अगर रियल क्रिटिक्स यानी आम जनता की बात की जाए तो उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। तो अब देखते हैं कि ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो पाती है या नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रीति सिंह के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।